हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे एनटीए द्वारा रिलीज किया गया एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें उसने बताया है कि जिन बच्चों ने सीएसआईआर या यूजीसी का जो फॉर्म फिलअप किया है, वो अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है या सिटी है उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम आज देख लेते हैं कि आपको ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आपको कहाँ पे मिलेगा। तो उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप मेरे कोई भी वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एनटीए ने रिलीज़ किया है। तो आप बस ओपन करिए गूगल, गूगल पे आप टाइप करिए CSIR NTA। जैसे आप CSIR NTA टाइप करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा, उसमें सबसे पहले आपको जाना है csirnet.nta.nic.in। ओके, क्लियर। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा। अब देखिए इस नए टैब में देखिए जो CSIR के जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो दे रखे हैं। तो आपको बस न्यूज एंड इवेंट्स पे जाना है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि आपको इस न्यूज एंड इवेंट्स पे जाना है और आपको इसमें से जो ये ऑप्शन है पब्लिक नोटिस करेक्शन इन द पर्टिकुलर एंड चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें जो आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिखेगा। तो इसमें देखिए दे रखा है कि पब्लिक नोटिस सब्जेक्ट क्या दे रखा है, करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स एंड चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसमें बोला गया कि एनटीए जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है उसमें क्या है, इन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए जो पोर्टल है उसे ओपन किया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप जो अपना जो चॉइस ऑफ सेंटर सिटी वो भी आप फिलअप कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट या हम कह सकते हैं बाय मिस्टेक आपने जो, अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं और आपने जो एग्जाम सेंटर है वो बनारस में डाल दिया है, तो आप ऐसा अब जो CSIR ने ऑनलाइन पोर्टल जो है NTA ने वो ओपन कर दिया है, इसमें आप अपना जो सेंटर ऑफ सिटी वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको BHU बनारस नहीं जाना है तो आप अब लखनऊ में भी अपना सेंटर जो है वो डाल सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये सब मेन सब्जेक्ट था। इसमें और क्या दे रखा है कि इन्होंने कुछ और एग्जाम के बारे में मेंशन किया, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी PhD एंड ओपन मैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च JNU, UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, CSIR ज्वाइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन June 2020, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। ओके, तो जितने भी जिन लोगों ने भी ये सब फॉर्म फिलअप किए हैं वो जो है अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने और बोला है कि द NTA विल मेक ऑल आउट एफर्ट टू अलॉट सेंटर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू द कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ द चॉइसेस नाउ बीइंग ऑप्टेड बाय देम इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटी इन द डिजायर्ड सिटी। इसका इन्होंने बोला कि अब आप जो भी अपना एग्जाम दे सेंटर जो है वो चूज करेंगे तो NTA क्या करेगी, पूरी कोशिश करेगी आपको जो पहला प्रेफरेंस है या आपने जो अभी एग्जाम दे सेंटर फिलअप किया है तो उसे आपको वो ऑप्ट करेगी। अगर वहाँ पे जो सीटें अगर वो फुल हो जाती हैं उसके बाद आपको उससे रिलेटेड या उसके बहुत ही पास वाला कोई सिटी अलॉट किया जाएगा। ठीक है, ये डिसीजन NTA ने लिया है। इसके साथ ही साथ इन केस एनी एडिशनल फी पेमेंट इज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस मेड इन द फॉर्म द रिक्वेस्टेड एडिशनल फी इफ एप्लीकेबल कैन बी पेड थ्रू क्रेडिट और विद डेबिट कार्ड। ये साथ ही उन्होंने बोला है कि अगर आप कुछ और चेंजेस करते हैं उसमें अगर कोई एडिशनल फी पेमेंट मांग रहा है तो उसमें आप जो फी पे कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू। इसके बाद बोला है द फाइनल चेंजेस अपडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिफ्लेक्टेड ओनली ऑफ द पेमेंट। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि अगर आप जब फी पेमेंट करेंगे उसके बाद ही जो आपने चेंजेस किए अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में वही आपको रिफ्लेक्ट होंगे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दिए, जैसा द सम ऑफ द कैंडिडेट हैव अपलोडेड फोटोग्राफ सिग्नेचर विच आर इलिजिबल, सच कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू अपलोड क्लियर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ओके, तो इन्होंने क्या बोला कि कुछ कैंडिडेट ने क्या है कि जो फोटोग्राफ है सिग्नेचर है वो सही नहीं अपलोड किए हैं, यानी कि उनका जो पिक्सल है मे बी वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो CSIR ने बोला, NTA ने बोला है कि आप जो अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर उसे करेक्ट फॉर्मेट में ही अपलोड करिए। इसके लिए भी जो पोर्टल है वो ओपन है। ठीक है, नो चेंज इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड टू फैक्स एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ईमेल। तो अगर आपने ईमेल भेजा है और आप चाहते हैं कि ईमेल के थ्रू आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाए तो ऐसा नहीं होगा। आपको ऑनलाइन पोर्टल में अपना साइन इन करना है, उसके बाद ही आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाय ईमेल जो है आप कोई भी चेंजेस या बाय फैक्स नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद बोला है कि द डिटेल शेड्यूल मेंशनिंग रिवाइज डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड एंड एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्ले सेपरेटली। इसके बाद बोला है कि एडमिट कार्ड और जो एडमिट कार्ड होंगे वो सेपरेटली जो है डिस्प्ले किए जाएंगे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे और साथ ही साथ जो सीएसए या यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे, ठीक है। इसके साथ ही साथ इन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशन भी दिए हैं फोटोग्राफ से रिलेटेड, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो जिनका फोटोग्राफ और सिग्नेचर क्लियर नहीं है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो अपना जो सिग्नेचर है और जो सिग्नेचर और फोटोग्राफ है उसे इस फॉर्मेट में करके अपलोड कर सकते हैं। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का जो फॉर्मेट है वो 10 KB 200 KB के बीच उसका साइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपकी, अगर आपका जो फोटोग्राफ सिग्नेचर अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप ये भी चेंजेस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी जो कब तक ये वैलिड रहेगा ये पोर्टल या कब तक ओपन होगा। तो ये पोर्टल जो है वो 6 जुलाई से 15 जुलाई 2020 तक ओपन रहेगा, ओके। तो इन्होंने डेट मेंशन की कि आपको 6 जुलाई 2022 15 जुलाई 2020 मींस 6 से 15 तारीख के बीच में आपको जो करेक्शन है ऑनलाइन पोर्टल उसके लिए वो खुला रहेगा और आपको इसी दिनों में आपको अपना जो भी करेक्शन आपको करना है, चाहे वो एग्जामिनेशन सिटी चेंज करनी हो, चाहे आपको फोटो अपलोड करना हो, चाहे आपको सिग्नेचर चेंज करना हो, तो आपको सिर्फ 6 जुलाई से 15 जुलाई के बीच ही जो पोर्टल है वो ओपन रहेगा। तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन था एनटीए के तरफ से कि जो आप जो हैं अपना जो चॉइस ऑफ सेंटर सिटी है वो चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपका फोटोग्राफ का सिग्नेचर आपका अभी सही से अपलोड नहीं हुआ है या जोड़ा ब्लर आ रहा है तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहीं पर मेरा वीडियो जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।